अजूनही थोडीशी आपण म्हणूया शांत संत गतीने चालली आहे, परंतु या वेळी तोडफोड वाली फलंदाजी करावी लागेल, टोला लागवावे लागेल, मोठे पटके हाणावे लागतील, फरारी घ्यावी लागेल, षटकार आणि चौकारांची आतिषबाजीची आवश्यकता आहे। 20 धावा समीकरण, 6 चेंडू, गौरव सावन टेनिस क्रिकेटचा एक आपण म्हणूया सर्वे सर्वात चांगल्या प्रकारचं माध्यम या स्पर्धेसाठी ज्यांनी पुरवलंय ते बॉलिंग मार्कवर। ओहो, यावेळी अतिशय चांगला चेंडू आहे, गती मध्ये मिश्रण, चेंज ऑफ पेस आणि गौरव सावंत आपल्या नावी एक विकेट करतायत, चांगली गोलंदाजी, थोडस काहीतरी वेगळं चित्र एक विकेट घेतल्यानंतर आपण पाहिलंय, सेलिब्रेशन पाहिलंय। यावेळी चांगली 5 चेंडू, 20 धावा, 5 गेंदे, 20 रन, निलेश नए खिलाड़ी स्ट्राइक पे, इनके ऊपर अब जिम्मेदारी। राजू चौगुले यहाँ पे मौजूद है और राजू चौगुले जहाँ निलेश जी के मामा यहाँ पे मौजूद है और वो रहेंगे तो इनाम भी निलेश के लिए होगा अगर छक्का लगाएंगे तो। 2 छक्कों के लिए इनाम है निलेश आपके मामा जी की ओर से, वाइड का इशारा, मौका आपके पास है, हीरो बन सकते हैं जिसके लिए आपको लिया गया। 100 रुपए का नगद इनाम बिना GST, पूरे 100 रुपए आपके हाथ में, केवल सिक्सर लगाने पड़ेंगे जनाब आपको, जिसके लिए आपको बुलाया गया था उसी की आवश्यकता है। दूसरी तरफ आपके सामने गौरव सावन, एक हाथ में कैच, गेंदबाजी, बल्लेबाजी पूरी तरह से कमाल। यहाँ पे थोड़ा सा रुकी है, वाइड डाला और एक रन, मतलब अभी भी जीतना थोड़ा सा हो सकता है, 18 चाहिए, 5 गेंदे, 18 रन, निलेश अगर छक्का लगाएंगे मैच में बनेंगे, कौन जीतेगा कहना अभी भी कठिन है क्योंकि एक गेंद मैच का समीकरण बदल सकती है। गौरव सावंत टेनिस क्रिकेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये मैच आपने जिस तरह से कहते हैं पूरी तरह से खेलने के लिए समर्पित है और बढ़िया अभी तक इनका खेल का प्रदर्शन, क्रिकेट का प्यार देखने को मिला है और यहाँ पे विकेट भी झटका चुके हैं। दूसरी तरफ थोड़े से यहाँ पे सामने निलेश, यहाँ पे दाएं हाथ के खिलाड़ी, कई बार इन्होंने मैचेस जीता है गेंदबाजी से, बल्लेबाजी से, आज उम्मीद है निलेश आपके ऊपर है, हम सभी की, कि आप कुछ कर पाए। यहाँ पे ये गेंद पटकी हुई लेकिन यहाँ पे अंपायर जी का इशारा, अच्छी गेंद थी, अब देखेंगे आने वाली गेंदों में क्या बड़े शॉट लगते हैं, क्या कुछ चमत्कार देखने को मिलता। 4 गेंदे, 18 रन, 3 छक्के और मैच आपके पक्ष में, कोशिश तो कीजिए जनाब, बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलता और कोशिश वही करते हैं जो साहसी होते हैं। साहस दिखाने की ये कोशिश, लेकिन यहाँ पे गौतम सावंत एक निर्णायक वक्त में स्माइल आती हुई चेहरे पर, लेकिन ये स्माइल जीत की है जनाब, क्योंकि उनको पता चल चुका है यहाँ पे मैच आप जीत सकते हैं। अमोल मांजरेकर क्या कुछ कमाल दिखा सकते हैं, अमोल मांजरेकर भी मादा रखते हैं, बड़ा शॉट खेल के इस सिचुएशन को थोड़ा सा बदलने का, माहौल को बनाने का, और कोशिश थी हाई इन द स्काई, कुशल और चॉकलेट बॉय ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और तालियां यहां पे, क्योंकि एक कैच पकड़ा और कौन आएगा बल्लेबाजी के लिए देखेंगे। और एक चाहिए नए खिलाड़ी राज कौशलकर जो आ चुके अब मैदान पर, मतलब सभी को मौका मिलेगा खेलने का, हर एक खिलाड़ी आज बल्लेबाजी कर सकता है अगर आप टीम में हैं फरहान वॉरियर्स के। रिवर्स स्वीप का मारेंगे, यश कह रहे हैं रिवर्स स्वीप आप अच्छे खेलते हैं, अब प्रयास कीजिए क्योंकि सागर सवन के बाद इनका ही नाम आता है। क्या यहाँ पे कुछ बड़ा शॉट आएगा, लेकिन ये गेंद डॉट थी, ये गेंद बिंदी थी, ये अच्छी गेंद थी। गौरव सावन
अच्छी गेंदबाजी करते हुए सर्व संघ मालक विनंती असेल आपण कृपया सामना संपल्यानंतर आवश्यकता असेल सहकार्याची आपण कमेंट कक्षे दरम्यान उपस्थित रहा सर्व संघ मालक। बढ़िया शॉट है, खिलाड़ी वहां पे तैनात है, लेकिन ये जीत प्राप्त की है इस वक्त जय शंभो मस्काव टीम ने। तो आगे की ओर कूच करी मैन ऑफ द मैच के लिए गौरव सावन, इनकी यहाँ पे झलकी आपको देखेंगे एक्शन रिप्ले में, आपके यहाँ पे हाईलाइट में इस मैच में देखेंगे किस तरह से परफॉर्मेंस रहा था। और हम भुलाना चाहेंगे हमारे गौरव सावन जी को मैन ऑफ द मैच लेने के लिए, और थोड़ी सी बातचीत रहेगी उनके साथ, गुफ्तगु रहेगी बेस्ट परफॉर्मेंस किसे मिलेगा। गौरव सावन अब से रिक्वेस्ट मैन ऑफ द मैच के लिए आए और बेस्ट परफॉर्मेंस सिद्धेश गढ़। थोड़ी सी सर बातचीत, दो शब्द आप कहिए क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपको देखने का मौका मिला है इस मैदान पे खेलते हुए, और हम सभी जा रहे थे आप अच्छा परफॉर्मेंस करें, बढ़िया परफॉर्मेंस आपने किया। काई संगल अपन बरस अणि हमसे सन्माननीय श्री संकेत राणे यांच्या शुभ हस्ते हे मैन ऑफ द मैच वितरित केले जाते आणि त्यांच्या समवेत आहेत ओमकार राणे, सन्माननीय ओमकार राणे आणि सन्माननीय संकेत सर, दोन शब्द आपण बोलावेत अशी अपेक्षा आहेत। काय वाटलं, खूप सुंदर आपण खेळी गेली आणि आम्हा सर्वांना इच्छा होती चांगला परफॉर्मन्स व्हावा आणि आजच्या दिवसात तुम्ही 100% योगदान दिलंय संघाला, काय सांगाल कसं वाटलं या प्रीमियर लीग मध्ये पहिलं पर्व आहे या स्पर्धेचं? सर्वात प्रथम मी धन्यवाद बोलेन दळीवाड्यातले जेवढे पण आयोजक आहेत, जेवढे मंडळी गावकरी आहेत त्यांच्या धन्यवाद बोलेन की त्यांनी आम्हाला इकडे खेळायला चान्स दिला आणि माझं लाईव्ह प्रेक्षेपण। मी आज तब्बल 7 वर्ष खेळतोय माझगाव प्रीमियर लीग, म्हणजे माझगाव मधील, पण पहिल्यांदा मी माझ्या टीम मध्ये खेळू माझगाव जय शंभो मध्ये आणि हे माझं पहिलंच मॅन ऑफ द मॅच आहे। आणि सर्वांना सांगतो की आज मी सर्वीकडे टुर्नामेंट करतो लाईव्ह, म्हणजे महाराष्ट्र बाहेर, म्हणजे माझगावमध्ये लाईव्ह करण्याची मजा आहे ना ती वेगळीच आहे, कारण की जे आपुलकी आणि प्रेम मिळतं ना ते कुठेच भेटत नाही, पैशाने सर्व जग जिंकतात पण प्रेमाने हे आयुष्य जिंकतात लक्षात। नक्कीच खूप सुंदर शब्द तुम्ही सांगितलेत आणि त्यानंतर मी विनंती करेन सर्व संघ मालकांना की कॉमेंट्री कक्षेकडे आपण यावं, आमचे आठही संघ आणि आठही संघाचे संघ